नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना जनवरी महीने का डाइट जो है शेयर करने वाला हूँ। असल में ये डाइट नहीं है, इसे डाइट कहना गलत होगा क्योंकि इसमें कुछ डाइट है ही नहीं, ये शरीर के साथ फाइट है, बस यूँ समझ लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी जब डाइट मैं आपको बताऊँगा तब आपको समझ में आएगा। इसमें डाइट है ही कहीं नहीं, आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ खा रहा हूँ, काफ़ी कुछ गलत भी खा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें डाइट कहीं भी है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, इसके दो कारण हैं, ठीक है। पहला कारण तो दोस्तों ये है, एक चीज़ की आपको महत्वता समझ आएगी यहाँ पे, और दूसरा जो कारण ये है कि कई बार ना लोग प्रश्न करते हैं कि सर मैं अनाज बंद कर दूंगा तो मैं बाद में अनाज खा पाऊंगा, गेहूं की रोटी खा पाऊंगा कि नहीं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा जिसके मन में संशय है। और दूध, सर मैं दूध छोड़ दूंगा तो मैं आगे दूध मुझे पचेगा कि नहीं पचेगा, है ना, इस तरह के प्रश्न होते हैं। और क्या शरीर मेरा वैसे पहले जैसा मजबूत हो जाएगा, मैं सब कुछ खा पाऊँगा, है ना, ये सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक और चीज़, एक महत्वता, एक चीज़ की ना महत्वता आपको समझ में आएगी, और वो महत्वता है दोस्तों सुबह की जो शुद्ध हवा है, वायु है, उसकी महत्वता भी इसी वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरी डाइट कुछ इस प्रकार की है, पूरा दिनचर्या आपको बताता हूँ। सुबह उठता हूँ, ठीक है, तकरीबन 5:30-6 बजे के बीच में, ठीक है, कई बार 6:15 भी हो जाता है। उठते ही हम 3-4 दोस्त हैं, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे और रनिंग करेंगे, ठीक। अभी तो मौसम काफ़ी बढ़िया हो चुका है, अदरवाइज़ तो पहले पूरा फॉग होता था और एक भी व्यक्ति यहाँ नज़र नहीं आता था, लेकिन हम लोग यहाँ डेली आते थे। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों का भी कई बार छुट्टियाँ हो जाती थी, पर मैं कंसिस्टेंट रहा, मतलब एक भी दिन मेरा मिस नहीं हुआ, एक भी दिन मेरा मिस नहीं हुआ है, ठीक है। भगवान की कृपा से एक मेरी खूबी है कि मैं हमें जब कोई कार्य करता हूँ तो मैं उसमें कंसिस्टेंट रहता हूँ, ठीक है, मेरा एक भी दिन मिस नहीं हुआ। अब ये जो शुद्ध हवा है ना दोस्तों, इसकी महत्वता भी आपको समझ आएगी। पहले मैं अपना भोजन बता देता हूँ आपको। देखिए मैं भोजन सबसे पहली चीज़ क्या लेता हूँ, एक तो मैं एक गिलास पानी पी के आता हूँ, ठीक है, और फिर पुनः मैं जो है घर जाते हैं और एक कप ना वो चाय बनाता है, मेरा दोस्त जो है वो चाय बनाता है। चाय कुछ इस प्रकार की होती है कि उसमें पानी मिला होता है, ठीक है, और थोड़ा सा नींबू मिलाया जाता है उसमें, और शहद या फिर गुड़ डाला जाता है उसमें, और थोड़ी सी अदरक डलेगी और काली मिर्च डलेगा, और हल्का सा 2-4 दाना मान लीजिए चाय पत्ती डलेगी। तो ये चाय हम लोग पीते हैं। इस चाय की खूबी ये है दोस्तों कि अग्नि को प्रदीप्त कर देती है, ठीक है, और क्लिंजिंग वाली चीज़ है ही उसमें। तो ये चाय सबसे पहले हम लोग लेते हैं, ये मेरा दोस्त बनाता है उसी के घर पे जो हम लोग पीते हैं। उसके बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ और फिर मैं वहाँ एक गिलास पानी और पीता हूँ, और अगेन जो है उसके बाद मैं स्नान वगैरह करके अपना जो है हाँ एक चीज़ भूल गया मैं, देखिए रनिंग के बाद हम लोग योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, और ये वीडियो भी इसी दौरान कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तत्पश्चात घर जाके मैं स्नान करता हूँ, और उसके बाद एक जो चीज़ मैं खाता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है गलत, ठीक है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ ये गलत है, ऐसा करना ठीक नहीं है। चाय के साथ मैं परौठे खाता हूँ। बहुत सालों बाद है, जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल जाया करता था, उस टाइम हम लोग वही चाय और परौठा खा के स्कूल जाया करते थे, और वो बड़ा मज़ेदार होता था। आजकल मैं वही खा रहा हूँ, ये समझ लीजिए, ठीक है, आई नो गलत है, ठीक नहीं है इस तरह से खाना, लेकिन इतनी सर्दियाँ पड़ रही हैं, मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा है अभी, ठीक है। हालाँकि मैं अगले 10-12-15 दिनों में वो छूट जाएगा, ठीक है, उसकी वहीं समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि मेरा मन पे पूरा कंट्रोल है, ठीक है ना,
मतलब मैं जो चाहूँगा वही होगा, आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो एडिक्शन ही बन जाएगा। अच्छी लग रही है, बस ये 2-4-10 दिनों का खेल है, जैसे जब तक सर्दियाँ पड़ रही हैं, और उसके बाद जो है इसके बाद दोस्तों मैं खाता हूँ मिलेट, ठीक है। तकरीबन 1.5-2 घंटे की गैप के बाद मैं फिर मिलेट्स लेता हूँ, गर्मा गर्म ही बनाता हूँ और उसको सब्ज़ी के साथ जो है मिलेट खाता हूँ। एक और चीज़ जो मैं बड़ी गड़बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, मेरी एक कही हुई बात का, कि बुरी चीज़ भी अच्छी बन सकती है, अच्छी चीज़ भी बुरी बन सकती है, बस आपको पता होना चाहिए, उसके इस्तेमाल का पता होना चाहिए कि कब उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। लास्ट ईयर भी शायद आपको याद होगा कि मैं एक गिलास दूध पीता था शाम को, ठीक है। मैं यहाँ पे एक हिदायत देना चाहूँगा कि मेरी डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पूरी तरह से बैन है, ठीक है, नहीं लेना है। जब तक आप हीलिंग डाइट पे हैं, मिनिमम 1.5-2 साल, 2.5 साल तक तो नहीं लेना है, ठीक है। मैंने भी तकरीबन 2 वर्षों तक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को छुआ भी नहीं, ये ध्यान दीजिए इस बात को, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ दूध का मेंशन कर रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि मैंने अभी लिया है, ठीक है। तो आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं इस बात से कि मैं भी दूध ले लेता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि इस दौरान, अभी हीलिंग पीरियड के दौरान आप दूध लेंगे या दूध से जुड़े प्रोडक्ट भी लेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर भी जब खूब कड़ाके की सर्दियाँ पड़ी तो मैं दूध लेता था और दूध के साथ अदरक और जो है वो डालता था, एक उसको क्या बोलते हैं, हल्दी, है ना, हल्दी वाला दूध, हल्दी और अदरक वाला दूध लेता था। और मैं अभी 15-20 दिनों से ले रहा हूँ और अच्छा है, बढ़िया है, चीज़ें शरीर को सपोर्ट कर रहा है, आप समझ रहे हैं ना। एक होती है कि नकारात्मक तरीके से व्यवहार करती है, एक होती है अभी सर्दियों में लिया जा सकता है, मैंने लास्ट ईयर भी लिया था, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे 5 फरवरी अभी 2023 को पूरे 3 वर्ष हो जाएंगे डाइट करते हुए, ध्यान दीजिए, यानी कि 2 वर्षों तक मैंने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लिया था। अब इससे और आगे बढ़ते हैं, बस ये यहीं तक चलेगा, अभी मेरा यहाँ के बाद पूरा जो डाइट है पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा। बात यहाँ मौसम की है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, ये सारे जो ऊटपटांग काम कर रहा हूँ ये मौसम इसमें मुझे सहयोग कर रहा है। ये जो मौसम है ना, ये जो मैं सुबह जो है चाय के साथ मैं पराठे खा रहा हूँ, शाम को मैं एक गिलास दूध पी रहा हूँ हल्दी वाला और वो वाला, है ना, ये सारा मौसम मुझे सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ वाई मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अभी 15-20 दिनों में या 10-15 दिनों में जैसे ही और मौसम बदलेगा तो ये सारी चीज़ें डाइट से साइड हो जाएंगी, निकल जाएंगी। इसे और आगे बढ़ते हैं, अब मैं रात्रि भोजन का अपना डिस्कस करता हूँ। रात को मैं लेता हूँ दोस्तों, मैं 4-5 रोटियाँ खाता हूँ, दाल बनता है, दाल खा रहा हूँ, हैरान मत होइए, दाल खा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली अभी तक आपने यही सुना होगा मेरे मुझे बोलते हुए कि दाल गैस और एसिड बनाती है। जी बिल्कुल बनाती है, लेकिन आज मेरा शरीर उन परिस्थितियों में पहुंच गया है कि कोई दाल गैस एसिड नहीं बना रही है। मे भी शायद एक ये कारण हो सकता है कि मैं उसमें 1-2 चम्मच देसी गाय का घी डालता हूँ, ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि घी जो है वो इन दोनों को नियंत्रित कर लेता है, क्योंकि दालें गैस तो बनाती ही हैं, आई थिंक यही कहना सही होगा, यही कहना उचित होगा कि गैस तो बनाती ही बनाती है, गैस इसलिए नहीं बना रही है क्योंकि मैं घी डाल रहा हूँ उसमें। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे चेंजेस मैंने कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे उन सभी व्यक्तियों का संशय दूर हो जाएगा जो ये कहते हैं कि सर मैं गेहूँ की रोटी आज मैं छोड़ दूँगा, 2-3 साल नहीं खाऊँगा, ठीक है, 1.5-2 साल नहीं खाऊँगा तो क्या मुझे बाद में पचेगा? अरे भाई साहब बिल्कुल पचेगा, आपके सामने देख लीजिए, मैं खा रहा हूँ, दबा के खा रहा हूँ, ठीक है, दूध भी पी रहा हूँ वो भी पच रहा है, ऊट पटांग चीज़ें मैं खा रहा हूँ चाय के साथ, वो 4-4-5-5 पराठे खा जा रहा हूँ, सब डाइजेस्ट हो जा रहा है, ऐसे डाइजेस्ट हो जा रहा है, ऐसे सोचिए। तो आपका संशय अब दूर हो गया कि नहीं, कि डाइट करने के पश्चात जब आपका शरीर फौलाद बन जाएगा, आप कुछ भी डालेंगे ऊट पटांग चीज़ें तो ये डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन आपको बुद्धि भी आ जाएगी, सद्बुद्धि भी आ जाएगी, ठीक है, कुछ दिनों तक खाएंगे, ठीक है,
उसके बाद जो है चीज़ें आपको पता लग जाती है ना, सही क्या है गलत क्या है, सारे नियम आपको पता लग जाते हैं जब आप कंसिस्टेंटली 1.5-2 साल डाइट फॉलो कर लेते हैं, हर चीज़ पता लग जाती है। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरा जो है डाइट चल रहा है, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल देख लीजिए एक भी फ्रूट नहीं इसमें आया और ना ही कोई सलाद आया इस डाइट में, आप देख रहे हैं। और कंसिस्टेंटली 20-25-30 दिनों से ये एग्जैक्टली डेट तो मुझे याद नहीं है, फिर भी मिनिमम 20 दिन तो हो ही गया है इस तरह से इस डाइट को, इस भोजन को करते हुए, ठीक है। और सारी चीज़ें व्यवस्थित है, एकदम बढ़िया है, मस्त है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ डेफिनेटली अभी मैं जल्दी ही इस डाइट को पूरी तरह से फिर से व्यवस्थित कर देंगे, ठीक है, वही डाइट मेरी फिर से हो जाएगी। अर्ली मॉर्निंग जो है फ्रूट लेंगे, ठीक है, और 2 टाइम मिलेट्स, या फिर 1 टाइम रात को रोटी वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है, अब तो शरीर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन मिलेट्स तो एक बार चलेगा ही। और शाम को जो है वही ऑर्गेनिक मूँगफली फिर से चलेगा, दूध भी साइड हो जाएगा, सुबह की चाय पराठा जो खा रहा हूँ वो भी साइड हो जाएगा, ठीक है, वो तो गलत है ही, ठीक है, वो तो मैं एक्सेप्ट कर ही रहा हूँ। तो ये चीज़ें देखिए, एक चीज़ और जो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, आयुर्वेद को समझिए। आयुर्वेद को मैंने पढ़ा, उसके ज्ञान को आत्मसात किया और उसको मैंने अपने जीवन में लागू भी किया। आयुर्वेद कहता है कि हमें जो है भोजन अपने दोष और गुणों के अनुसार खाना चाहिए। और मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान देता हूँ कि अभी मेरे भीतर क्या दोष और गुण बढ़े हुए, और बाहर का जो मौसम है, जो प्रकृति का मौसम है, उसके अनुसार खाइए। आप समझ रहे हैं, सर्दियाँ पड़ रही है और मैं शाम को फ्रूट खा रहा हूँ, रात को फ्रूट खा रहा हूँ, बेवकूफ़ी है मेरे लिए। हाँ अगर मुझे भयंकर एसिडिटी हुई पड़ी है, शरीर में बहुत गर्मी है, तो डेफिनेटली खाओ। आ गया ना, दोष और गुणों के अनुरूप भोजन कीजिए, मौसम के अनुरूप भोजन कीजिए, बात एक ही है। भयंकर एसिडिटी है शरीर में, गर्मी है, तो भयंकर सर्दी में भी मैं फ्रूट खाऊंगा, सलाद खाऊंगा शाम को, और बोलिए, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सर्दियाँ पड़ रही हैं तो फिर मैं दूध का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, मैं पूरी तरह यदि स्वस्थ हूँ तो। और स्वस्थ नहीं हूँ तो मैं दूध को छूंगा नहीं भी, क्योंकि इस बात को जान लीजिए, नोट कर लीजिए कि जो दूध है दुनिया का सबसे हार्ड टू डाइजेस्ट चीज़ है, पचता नहीं है, दूध और जो है मूंगफली दुनिया की सबसे हार्ड टू डाइजेस्ट चीज़ें हैं, ये आप जान लीजिए, नहीं खा सकते जिस दौरान आपका जो है पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक बिगड़ा हुआ है, ख़राब है, और 2-4-10 दिनों के लिए नहीं, कंसिस्टेंटली मिनिमम 1.5 साल साइड रखना पड़ेगा, तब जाके पूरा शरीर जो है सही होगा। तो आज मैं पूरी तरह से फिट हो चुका हूँ, सारी बातों को मैं जान चुका हूँ, मन को भी मैंने बस में कर लिया है, कंट्रोल में कर लिया है, कि ऐसा नहीं अब मैं कुछ गलत खा रहा हूँ कंसिस्टेंटली 10-12-15 दिन तो मैं अब मन उसी के बस में आ जाऊँगा, और मैं देख रहा हूँ, मैं जानता भी हूँ कि वो गलत है और आगे उसको करता रहूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मूलतः आज की वीडियो से हमने ये समझा, उन लोगों का संशय दूर हुआ कि जो ये कहते हैं कि सर मैं गेहूं की रोटी छोड़ दूंगा तो आगे मुझे गेहूं की रोटी पचेगी कि नहीं, मुझे दूध पचेगा कि नहीं, अरे सब कुछ पचेगा, आपका शरीर बिल्कुल फौलाद बन जाएगा, आप सब कुछ खा पी पाएंगे, लेकिन भाई साहब तपस्या तो आपको करनी पड़ेगी। इस शरीर को यदि पुनः पाना है आपको, तो मिनिमम 1.5-2 साल की तपस्या तो आपको करनी पड़ेगी, आगे का जीवन आनंदित ही होगा, आनंदमय होगा, आप चीज़ें खा पी पाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको ज्ञान भी बहुत कुछ मिल जाएगा, फिर आप गलत चीज़ें नहीं खाएंगे या कभी कभी खाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।